पहले जमाने में मम्मी को बुए बोलते थे। गांव में बहुत से लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, कुछ जाते लोग यहाँ पे एक बार जरूर बैठते हैं। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आसमा नेगी और आप सभी का स्वागत है मेरे इन खूबसूरत से पहाड़ों में, मेरे गांव भापन से। तो अभी शाम के 2:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर, पिंकी लोगों के घर पे। का मौसम आप लोग देख सकते हैं कि आजकल मौसम डेली ही दिन भर गुमसुम सा मौसम रहता है, बादल लगे रहते हैं, लेकिन बारिश तो नहीं होती है, धूप भी नहीं लगती है और ना ही बारिश होती है। और यहाँ पे देखिए आजकल लोगों ने खाली खाली खेत हैं तो इनमें घोड़े खच्चरों को और गाय बैलों को चराने के लिए छोड़ा रहता है सभी। और मेरे गांव की ये वो जगह है जहाँ पे छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग भी बैठना पसंद करते हैं। आते जाते लोग यहाँ पे एक बार ज़रूर बैठते हैं। इसकी ये ख़ास बात ये है कि एक तो यहाँ पे अखरोट का पेड़ है, गर्मियों के टाइम पे मस्त सी छाया और हवा देता है, और दूसरा यहाँ पे ना इधर उधर का जो नज़ारा दिखता है ना बहुत ही खूबसूरत, आसपास के पहाड़ और गांव, ठीक सामने चौखंबा पर्वत यहाँ से बहुत ही गजब का दिखाई देता है। हालांकि आज बादल लगे हुए हैं, दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही गजब का दिखाई देता है। और यहाँ से ठीक सामने दिखाई देता है केदारनाथ भगवान जी की चोटी, अभी दिखाई नहीं दे रही है। और ये खूबसूरत सा मेरा गांव और इधर के जो खेत खलियान हैं, सीढ़ीदार खेत, बहुत ही गजब के दिखाई देते हैं। ठीक नीचे सामने है गेहूं की खेती जो कि आजकल बहुत ही हरी भरी हो रही है, और इधर साइड जो कि अब कुछ टाइम बाद इनमें धान बोएंगे। और सामने के जो गांव हैं यहाँ से बहुत ही गजब के दिखते हैं, लेकिन आज जो मौसम हो रखा है बहुत ही धुंधला है, तो जिस वजह से साफ साफ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बहुत ही गजब की यहाँ पर ये जगह है जहाँ पे लोग आते जाते हमेशा बैठा करते हैं। जब तक यहाँ पे नहीं बैठते हैं ना तब तक मतलब चीती नहीं बूझता है। यहाँ पे बैठने के बाद ना थकान बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाती है। और अभी मेरी नानी भी घास का बारा लेके आ गई है, तो ज़रूर मेरी नानी भी यहाँ पे बारा बिसाएगी, है ना? बिसाएंगे? तो यहाँ पे जब जंगल से भी आते हैं ना लोग, तो यहाँ पे जब तक बिसाया नहीं ना तब तक तो मतलब मन ही नहीं भरता। तो देखो भाई मेरी नानी ने भी बिसा लिया, बोलते बोलते थकान मिट जाती है ना यहाँ पे आके, नहीं है नानी? तो मेरी नानी अब घास भर ले अभी आएगी। तो बाकी अभी मैं अभी चलती हूँ और मुझे ना पिंकी लोगों के घर जाने से पहले गौशाला जाना है, क्योंकि वहाँ पे है बछिया, तो उसके पास मैं घास चारा डाल दूंगी, फिर उसके बाद चली जाऊंगी। तो आज शाम को मैं ना वहीं पे रुकने वाली हूँ और वो मैं आपको वहीं जाकर बताऊंगी कि मैं वहाँ पे क्यों रुकने वाली हूँ और आज वहाँ पे क्या है। अभी मैं पहुंच चुकी हूं पिंकी लोगों के घर पे। आज यहाँ पे ना मेरे मम्मी पापा भी आ रखे हैं। ये पितकनी देख के लग भी रहा, ये 5 साल की हो जाएगी पितकनी पितकनी। और इसकी माँ को हम बचपन में पिटुंगू बोलते थे कि क्योंकि वो अभी छोटी ही थी ना, तो इसको ना उसका नाम रखा था पिटुंगू, और अभी है दूसरी पिटिंगी और यहाँ पे ऊपर में सासू जी लगे हुए हैं झाड़ू लगाने पे। तो आज हमारी गुड़िया का बर्थडे है, तो शाम के टाइम पे हम केक कटिंग करेंगे और थोड़ी देर में कीर्तन भी करेंगे, है ना? तो सभी लोग आना प्रिशु के बर्थडे में, और मम्मी पापा भी इसीलिए आ रहे हैं प्रिशु के बर्थडे के लिए। हाय वाह, आग भी नीचे गई, खाए नहीं बैठा बाड़ आग भी नहीं जला रखी है हमने तो पकौड़ी बना दिया, चिप्स भी उला दिया उसकी बर्थडे के लिए। अच्छा बनाना है अभी कर को आ, तेरा बर्थडे है, कैसा लग रहा है? अच्छा हाँ बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है। और यहाँ पे मम्मी लोगों ने ना पकोड़ी भी बना ली है, ये देखो, और इस पे चिप्स उबाल रखे हैं। चिप्स हैं, खाओ पियो आनंद करो मौज उड़ाओ पकोड़े। अब मेरी भी छुट्टी हो गई क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसीलिए आई थी पकोड़ी बनाने के लिए, तो अब मेरी छुट्टी। क्या है ये? भगवान जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति यहाँ किचन में क्यों लाए हैं? श्री गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, देवा माता पिता पार्वती पिता महादेवा। अभी प्रिशु भी तैयार हो गई है, ये देखो परी लग रही है, परी आबरा का डाबरा कर बा, आबरा का
और अभी ना कीर्तन होने वाला है, तो यहाँ पे ना कीर्तन की तैयारी भी हो चुकी है। बाकी कीर्तन वाले आते ही होंगे थोड़ी देर में, तब तक हम यहाँ पे प्रीशु की एक रील बनाते हैं। तो अभी ना शाम के 5:30 बजे का टाइम हो चुका है और अब जाके कीर्तन मंडली वाले आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी 2 लोग आए हैं, क्योंकि ना यहाँ पे कीर्तन मंडली डुमपोली वाले अलग हैं, बरसाल वाले अलग हैं और फापंज वाले अलग। तो यहाँ पे अभी सिर्फ डुमपोली वाले आ रखे हैं। हेलो हाय। और 3-4 तो आ गए हैं और 3-4 अभी आने वाले हैं। बाकी यहाँ पे अभी तैयारी हो रही है, गुब्बारे वगैरह फुला रहे हैं सामने से। वाह कितनी अच्छी, ये देखो। और ये लोग कुछ इधर कुछ यहाँ पे आ रहे हैं। हेलो हेलो बाय बाय। इधर जल्दी कन क्या है तो ये कीर्तन वहां साहब बैठ बूढ़ी होना भाई। अभी कीर्तन भी समाप्त हो गया है और बाहर देखिए कितना ज्यादा अंधेरा हो गया है। ये लोग इतनी जल्दी आए कि मतलब अभी इनको अंधेरा भी हो गया, इनका कीर्तन ही समाप्त ही नहीं। और अभी यहाँ पे चाय नाश्ता हो रहा है सभी लोगों का। कहना वाणो बहुत बड़े पकौड़ी कहने वोने बड़े वोने चाय तुम दबेर अंधेर हुए बा खाना तुम तो सरा सका। अभी यहाँ पे सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। Okay.
8:15 का टाइम हो चुका है और अभी हमारा खाना बन रहा है। खाना तो मम्मी और सासू जी लोग बना रहे हैं। हम अभी यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे बर्थडे पार्टी का डांस करेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा। तो फुल डीजे में फुल डीजे अभी नहीं लगाया, थोड़ी देर में डीजे लगाएंगे तब डांस करेंगे। पकौड़ी है रे, पकौड़ी है दोस्तों, समझना इस वेजल पकौड़ी खा रहे है ये। हमने खाना नहीं खाया, खाना बना रखा है लेकिन अभी हमारे यहाँ पे मस्त सी डांस चल रही है और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम। मतलब ये पल यादगार होने वाला है। तेरी चमकनी गुलाबी सरारा ठुमक ठुमक जब हिटी छे तू पहाड़ी बटमा घुंगरू बजनी तेरी खुटुमा लाल तेरी कंगन हाथी माँ चूड़ी छनी हरा लाल तेरी कंगन हाथी माँ चूड़ी छनी हरा चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। चले गाइस अभी हम खाना खाते हैं तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। जिंदगी में कभी कभी ही ऐसे दिन आते हैं जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं। और मैंने ना कल की वीडियो में आपको बताया था कि मतलब मैं वीडियो बनाना बंद कर रही हूँ, तो आप लोगों ने उस पर मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट करे हैं और बहुत सारी आपने अच्छी राय दी है। मुझे कहा है कि आप प्लीज ऐसा मत कीजिए वीडियो बनाए। आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे कमेंट करे हैं उसके लिए आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से धन्यवाद। खाना खाने के बाद सब लोग ऊपर आएंगे फ्लोर में, फिर से डांस करेंगे और 12 बजे तक हम लोग डांस करेंगे, फिर उसके बाद सोएंगे। हाँ डांस करेंगे लेकिन मैं वीडियो को एंड कर हाँ कहने के लिए कहा था क्योंकि मेरे को कभी कभी बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। और आपको पता है कि गांव में बहुत से लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ कई बातें करते हैं, तो इस उन बातों से मतलब दिल एकदम से कमजोर हो जाता है। और लेकिन हम मतलब मैं किसी की बातों का बुरा नहीं मानती हूँ और ना ही किसी की बातों को दिल पे लेती हूँ और ना ही किसी की बात से मुझे कोई फर्क पड़ता है क्योंकि मुझे अपना काम करना है और अपने काम में खुश रहना है। तो मैंने इसीलिए ना कभी कभी बुरा लग जाता है, बात नहीं मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए जी आज की वीडियो को मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।